सो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 3D कार्टून एनिमेशन वीडियो कैसे बनाएंगे आप लोग। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आप लोग 3D कार्टून एनिमेशन वीडियो कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों आप लोग कभी ना कभी यूट्यूब पे 3D एनिमेशन वीडियो देखे ही होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप लोग खुद से 3D कार्टून एनिमेशन वीडियो कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए तभी आप लोग को समझ में आएगा। अगर इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग को इस चैनल पे देखने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आप लोग को एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। मैं एप्लीकेशन बता दूंगा कि कौन सा एप्लीकेशन है, आप लोग को कैसे डाउनलोड करेंगे, आप लोग को कैसे मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। दोस्तों इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद से आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे प्लस जो दिख रहा है यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आप लोग को कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद से आप लोग यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी बनाना चाहते हैं, क्लासिक स्टोरी बनाना चाहते हैं, साइंस रिपोर्ट स्टोरी बनाना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। तो दोस्तों यहाँ से मैं क्लासिक स्टोरी पर क्लिक करता हूँ और आप लोग को बताता हूँ कि कैसे आप लोग बना सकते हैं। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग बना सकते हैं, इसी हिसाब से आप लोग अपना दूसरा अलग अलग प्रकार के स्टोरी बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी आपको वीडियो को देखना होगा ध्यान से तभी समझ में आएगा। यहाँ पे किसी एक पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं चैलेंज पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद से कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद से आप लोग को क्या करना होगा चलिए मैं बता देता हूँ। उसके बाद से कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद दोबारा कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अलग अलग प्रकार के यहाँ पे बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा, वो भी यहाँ पे मल्टीपल बैकग्राउंड है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना होगा, एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला बैकग्राउंड मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा नीचे करेक्टर देखने को मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा करेक्टर है, यहाँ पे अनगिनत करेक्टर है, यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं बहुत सारा करेक्टर आप लोग को दिखा रहा हूँ, कितना करेक्टर। तो यहाँ से मैं करेक्टर ले लेता हूँ, 3-4 करेक्टर ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे एक सांप का करेक्टर लेता हूँ, एक चिड़िया का करेक्टर लेता हूँ, एक ए वाला करेक्टर लेता हूँ, एक ए वाला करेक्टर लेता हूँ, 4 ही करेक्टर रहने देता हूँ, एक और करेक्टर ले लेता हूँ कोई। उसके बाद से मैं आप लोग को बताता हूँ। इतना करने के बाद आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है, ये तीर का जो निशान दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, हमारा करेक्टर आ जाएंगे। उसके बाद से आप लोग को करेक्टर को एक जगह पर अच्छे से किधर भी सेट कर देना है जहाँ आप लोग को चाहिए। आप लोग देख सकते हैं मैं करेक्टर को सेट कर देता हूँ। उसके बाद से आप लोग को बताता हूँ, यहाँ पर लड़के को सेट कर देता हूँ इस तरह से। उसके बाद से इस लड़के को भी सेट कर दूंगा, आप लोग को बता देता हूँ। उसके बाद से इस चिड़िया को भी इस इधर पेड़ पे किधर सेट कर दूंगा, आप लोग को मैं दिखा दूँ यहाँ पे किधर सेट कर दूंगा पेड़ पे। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे बिठा देता हूँ। उसके बाद से मैं बताता हूँ कि क्या करना है आप लोग को। उसके बाद से आप लोग को यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे इनके ऊपर इनको खींच के आगे चलाते जाना है, और इनको आगे तरफ खींचेंगे चलते जाएंगे। देख सकते हैं इस तरह से चल रहे हैं, इस तरह से चलते जाएंगे। जिनको भी चलाना हो खींच कर चला सकते हैं। ये सांप को भी चलाना हो इसको भी खींच सकते हैं, ये भी चलेगा। तो दोस्तों चलिए आप लोग को मैं बताता हूँ कि आप लोग को रिकॉर्ड कैसे करना है और कैसे आप लोग को एक्सपोर्ट करना है, कैसे क्या करना है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों ये खुद ब खुद रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पे स्टार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, कुछ सेकंड बाद से रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं 3 सेकंड के बाद रिकॉर्डिंग चालू। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा करेक्टर है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद से इनको मूव किधर भी कर सकते हैं, देख सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा स्टार्ट पे अभी मैं क्लिक किया था, मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। तो दोस्तों आप लोग को स्टार्ट पे क्लिक करना है और इनको मूव करते जाना है, जिधर चाहिए उधर मूव करना है। दोस्तों इस तरह से इसको मूव करते जाना है लड़के को। उसके बाद से दूसरा लड़कों को, इस चिड़ियों को भी मूव करके लाना है इस तरह से। उसके बाद से इसको भी मूव कर देना है, सांप को भी मूव कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद से इस लड़के को भी मूव कर सकते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार से अपना एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत सारा बैकग्राउंड भी आप लोग को देखने को मिलेगा, इस तरह से वीडियो आप लोग बना सकते हैं। दोस्तों उसके बाद से आप लोग यहाँ से आपके गैलरी में आसानी से सेव हो जाएगा। उसके बाद से आप लोग को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप लोग को अपने चैनल पे अपलोड कर देना है, अपलोड करके अपना पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को चलिए वो एप्लीकेशन कौन सा है मैं बता देता हूँ। एप्लीकेशन का नाम है टूनटास्टिक, टूनटास्टिक नाम है एप्लीकेशन को। ये आप लोग को प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों एप्लीकेशन का नाम है टूनटास्टिक। तो दोस्तों
ये एप्लीकेशन आप लोग को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।